गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रभु श्री राम उत्सव एवं अंबेडकर जयंती के अवसर पर आर्य नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में ही विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि हजारों की संख्या में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा में बालक व बालिकाओं द्वारा राम दरबार एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मनमोहक झांकियां निकाली गई है और माताओं बहनों ने बढ़ चढ़कर शोभा यात्रा में हिस्सा लिया है। शोभा यात्रा आर्य नगर सरस्वती विद्या मंदिर से निकलकर अलीनगर बख्शीपुर बैंक रोड विजय चौक होते हुए वापस सरस्वती विद्या मंदिर पर समाप्त हुआ। इस अवसर पर प्रांत शिक्षा मंत्री शगुन श्रीवास्तव, मनोज गौड़, नवीन पांडे, राहुल पांडे, देवीलाल गुप्ता, राहुल गुप्ता, शिवम उपाध्याय सहित अन्य राम भक्त उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, दुर्गेश त्रिपाठी, प्रांत सह संयोजक बजरंग दल। यहाँ पे एक भव्य शोभा यात्रा लगभग 2000 माताओं बहनों के साथ निकलने जा रही है, जिनमें भगवान श्री राम का प्रतिरूप बन के बच्चे बैठे हैं।
अंबेडकर जी की आज क्योंकि जयंती है तो सिर्फ अपने संविधान के रचयिता अंबेडकर जी की एक शोभा यात्रा है, राम का दरबार है और ये शोभा यात्रा गाजा बाजा के साथ अभी महानगर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए पुनः इस स्थान पर आएगी और यहाँ पर सबका जो है आज यहाँ पर प्रसाद के रूप में, यहाँ पर भगवान के प्रसाद के रूप में महाप्रसाद भोजन भी है।